जब मैंने एक वीडियो बनाया कि जैसे 1000 स्क्वायर फीट का छत का ढलाई कर रहे कितना सीमेंट लगेगा, तो उस पर भर भर के कमेंट आया कि सर बहुत ज़्यादा बता दे रहे। अब मैं ज़्यादा क्यों बताया और कम भी कैसे लगेगा वो सब के बारे में बताऊंगा। और जब मैंने 2000 स्क्वायर फीट का छत ढलाई में कितना सीमेंट लगेगा जब ये वीडियो बनाया, तो उसमें भी जो भर भर के जो है कमेंट आया कि सर आप बहुत ज्यादा बोल दे रहे हैं, इतना बैग थोड़ी सीमेंट लगता है। अब यहां पे बात कर लेते हैं कि आखिर एक्चुअल में क्या है, आखिर कम कब लगेगा और हम जो वीडियो बनाए थे उसमें ज्यादा कैसे लग रहा है उसके बारे में, और सुन के आपको आश्चर्य लगेगा। और आप लोग इसके बारे में ज्यादा सोचते नहीं होंगे कि भाई यार कि सर तो बोले कि इतना बैग लगेगा, मेरा ठेकेदार जितना कम में कर दिया, ये तो बहुत अच्छा है। अच्छा नहीं है, अच्छा गड़बड़ कहाँ हुआ है उसके बारे में बात करें। अब यहाँ पे हम लेके चलेंगे कि मेरा एक जो है 1000 स्क्वायर फीट का छत है, ठीक है, यहीं पे खेला है, जरा समझिएगा। 1000 स्क्वायर फीट का छत अगर यहाँ पे दो लेके चलते हैं, पहला जो है रूफ थिकनेस अगर हम यहां लेते हैं 4 इंची, तब देखिए कितना आ रहा है। चार ने पहले हम जो लिए थे हम उसके बारे में बताएंगे, पहले हम 5 इंची का लिए थे, ठीक है, जरा इसको देखिएगा तो क्लियर हो जाइएगा। रूफ थिकनेस 5 इंची लेते हैं, तो 5 इंची को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.416 फीट, डिवाइड में 12 करेंगे फीट में आ जाएगा। तो रूफ वॉल्यूम हो गया 1000 × 0.416 फीट, अरे दोस्तों टोटल 416 क्यूबिक फीट। अब 20% हमको बीम का वॉल्यूम लेना है, बीम भी है, बीम वॉल्यूम रहता है, ठीक है, जितना ऑफ रूफ का कितना हो जाएगा, 416 × 20% कितना हो गया, कल 416 × 20% 83.2 क्यूबिक फीट, टोटल कितना हो गया, प्लस कर देंगे 416, 499 टोटल हो जाएगा दोस्तों। हमने जो कैलकुलेट किए थे टोटल इक्वल टू 499.2 इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट नहीं करेंगे, इतना क्यूबिक फीट है। और इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे मीटर क्यूब में कितना आ जाएगा, तो डिवाइड बाय कितना कर देंगे 35.314 से, तो ये आ जाएगा मीटर क्यूब में, डिवाइड बाय 35.314 कर दिए, आ जाएगा 14.13 मीटर क्यूब। इसको जब 14 लेकर चलते हैं, और हमें पता है कि 1 MQ में अगर मेरा कंक्रीट वॉल्यूम है उसके अनुसार M20 ग्रेड का 8 बैग सीमेंट आता है जब हम लोग क्या करते हैं कंक्रीट बनाते हैं, तो ये याद रखिएगा। उसके अनुसार 14 × 8 112 बैग लगा। अब बोलेंगे सर आप बहुत ज़्यादा बोल दिए 112 बैग, मेरा तो इससे भी कम में हो गया। हाँ भाई कम में होगा, जरा ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ पे रूफ थिकनेस ले लेते हैं 4 इंची का, और ज़्यादातर ठेकेदार लोग 4 इंची का ही ढलाई करता है, तब देखिए कितना भेरी करेगा, आपको जान के आश्चर्य लगेगा। तो इसको कर देंगे 0.33 फीट में तो रूफ वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1000 एरिया है स्क्वायर फीट इंटू 0.33, 330 आपका कितना आ गया CFT आ गया, और 20% बीम अनुसार जरा ध्यान दीजिए 330 का 20% 66 CFT टोटल
66 प्लस 330 396 396 CFT। यहाँ तक ठीक है। और अगर इसको मीटर क्यूब में चेंज करेंगे कितना आ जाएगा, 396 डिवाइड में कर देंगे 35.314, कितना आ जाएगा दोस्तों, 11.21 मीटर क्यूब। इसको हम 11 लेके चलते हैं, ठीक है। अब 11 इंटू वही एक M20 एक MQ में 8 बोला लगता है, 11 इंटू 8 88 बैग में ही हो जाएगा। उसी तरीके से 2000 स्क्वायर फीट का जो निकाला था, जो ज्यादा आपको दिख रहा था, उसको अगर 4 इंच थिकनेस करेंगे तो कम आ जाएगा। तो अब जरा देख लीजिए, 88 में हो गया तो 112 माइनस 88 24 बैग वल्ली जो है, अगर हम 1 इंची का थिकनेस कम किए तो, यहां 5 इंची लिया, 4 इंची लिया, 1 इंची का थिकनेस में मेरा कितना 24 बैग का डिफरेंस आ गया बताइए। इसलिए तो आप हमको बोलेंगे ना सर आप बहुत बता रहे हैं, आप जाकर ठेकेदार से पूछिए ना कि भाई आपका जो है छत का थिकनेस कितना दिया। स्क्रीन शॉट लेना ले सकते हैं, बहुत अच्छी जानकारी है आप सभी के लिए। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोग को जरूर पसंद आया होगा, और अगर पसंद है जरूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और खास करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में बेल आइकन मंजर उसको क्लिक कर दीजिएगा, उससे बेनिफिट बचे तो जब जब सिविल इंजीनियर दीपक कुमार को नया वीडियो आपके लिए आएगा सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में दिखेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।